मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी घोषणा के बाद किसानों के खाते में किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान विक्रय की राशि पहुंच गई है। इस राशि को निकालने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसको लेकर बालोद पुलिस ने किसानों को लूट की घटना को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक बालोद डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि आगामी दीपावली त्योहार को देखते हुए खाता धारकों के द्वारा बैंकों से राशि निकालने के दौरान किसी प्रकार की लूट की घटना न हो, इसको लेकर सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैंक प्रबंधकों से उनके बैंक के अंदरूनी और बाहरी परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने और उसके उचित रखरखाव, बैंक और एटीएम में अनिवार्य रूप से सुरक्षा गार्ड तैनात करने और आपातकालीन सायरन लगाने सहित अन्य सूचना त्वरित नजदीकी पुलिस थाने को देने जैसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोनस वितरण किया है, धान का बोनस वितरण किया है, जिसमें ग्रामीण किसान जो है, जिले वाले किसान जो अभी बैंकों में आ रहे हैं। हमारे जिले में 21 सहकारी बैंक की शाखाएं हैं, जहां अभी जो किसान है पैसा निकालने के लिए आ रहे हैं, उनको सतर्क करने के लिए हमने वहां बल भी लगाया है। साथ में वहां जाकर उनको जागरूक किया है कि कोई भी अगर उठाई गिर है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है, तत्काल पुलिस को सूचना दे। होता यह है जनरली कि 100-200 मीटर पे ये लोग खड़े रहते हैं, रेकी करते हैं, और जब तक घर नहीं पहुंच जाते तब तक इनका पीछा करते हैं।